सपा बसपा गठबंधन की रायसनेही घाट में आयोजित संयुक्त रैली में बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता के लिए पहले कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया, अब भाजपा ने वैसा ही कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, आज की रैली में जबरदस्त भीड़ देखकर लग रहा है कि यह नमो नमो करने वाली की छुट्टी करने वाली है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय सत्तर पर काबिज कर रही कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते गरीबी बेरोजगारी दूर नहीं हुई। मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों को न्याय नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, ऐसी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को क्यों जिताएंगे। भाजपा पर हमला बोलते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, अब छोटे और बड़े चौकीदारों की नाटकबाजी नहीं चलने वाली है, चाहे जितनी ताकत लगा लें। अखिलेश ने कहा, सामाजिक न्याय के रास्ते पर गठबंधन नहीं दिशा देने जा रहा है। बाबा साहेब और लोहिया ऐसे गठबंधन पहले करना चाहते थे, लेकिन अब हुआ है। उन्होंने कहा, मोदी फेल हो चुके हैं, देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। सीएम योगी के लिए अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली के चौकीदारों के जाते ही लखनऊ वाले साहब बाबा साहब की चौकी छिन जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।